हेलो स्टूडेंट, अपनी क्लास बीए फर्स्ट ईयर जो अपनी पोयम थी डेयर बी नॉट प्राउड कंपोज बाय जॉन डन, वी हैड डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ द पोयम इन आवर प्रीवियस क्लासेस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पोयम लाइन बाय लाइन। In this poem, poet personified the death, and in this poem we can see that poet religious point of view that death is nothing, मृत्यु कुछ भी नहीं है। So the poet say that death about the death is nothing about the human nature. So let's begin our poem that we know proud. Poet बोलता है मृत्यु से, अरे मृत्यु be not proud, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो poem है ये पेंटागन सोनेट है। सोनेट 14 लाइन डिवाइडेड 8+6 विद 2 लाइन कपलेट, वैलिड राइम स्कीम, पेंटागन सोनेट मैंने आपको बता दिया था, ये भी पेंटागन सोनेट है, वैलिड राइम स्कीम है। ऑक्टेव सस्टेव जो है उसमें जो दोहा है कपलेट वगैरह सभी वैलिड राइम स्कीम है इसकी भी, ये भी एक सोनेट है, जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। डेथ मृत्यु को संबोधित करते हुए लिखा गया है, पर्सोनिफाई किया गया है मृत्यु को। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु तुमको घमंड करने की जरूरत नहीं है। दो सम हैव कॉल्ड दी, यद्यपि कुछ लोग माइटी एंड ड्रेडफुल, यद्यपि कुछ लोग तुम्हें माइटी यानी सर्वशक्तिमान और भयानक बोलते हैं, लेकिन तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। डेथ बी नॉट प्राउड, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि कुछ लोग तुम्हें बहुत पावरफुल और भयानक बोलते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। फोर दाउ आर नोट सो, दाउ यानी मृत्यु के लिए, फोर यू आर आर टी आर ट्रेडिशनल इंग्लिश में आर्ट, प्रेजेंट में आर नोट सो, तुम ऐसी नहीं हो मृत्यु, तुम शक्तिमान और भयानक नहीं हो, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम्हें लोग शक्तिमान और भयानक माने, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। इन दोनों लाइनों में पोइट का जो बोलने का मतलब है वो यही है कि मृत्यु तुम्हें घमंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोर दौर मूम नाउ थिंक है, मतलब फोर दौर वो लोग जो तुमको ऐसा सोचते हैं, यू यानी नाउ यानी यू थिंक सोचते हैं, नाउ डर ओवर थ्रो तुमको भी नहीं ले जाती हो, ओवर थ्रो यानी नहीं ले जाती हो, डाई नॉट मे भी नहीं मरते हैं, जो तुम्हें खतरनाक और सर्वशक्तिमान समझते हैं तुम उनको भी नहीं मार सकती। पुअर डेथ, गरीब मृत्यु, या फिर अपन बोलते हैं एक तरीके से किसी पर दया के भाव से, अरे मृत्यु तुम जो तुमसे डरते हैं उनको भी तुम नहीं मार सकती। नॉर यट कैन नॉट डाउट किल मी, और जैसे तुम उनको नहीं मार सकती वैसे तुम नॉर यट कैन नॉट डाउट किल मी, तो पॉइंट को भी तुम नहीं मार सकती। इस लाइन में इस स्टैंजा में पॉइंट का बोलने का मतलब ये है कि जो लोग तुम्हें सर्वशक्तिमान और खतरनाक भयानक मानते हैं, तुम हकीकत में ऐसी नहीं हो, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग तुम्हें खतरनाक और भयानक मानते हैं असल में तुम उनको
को भी नहीं मार सकती। पोइट का ऐसा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो तुरंत वो दूसरा जन्म ले लेता है। हर रिलीजन में हर प्रकार का भेद है, तो कोई उसी को मद्देनजर रखते बोलता है कि जो तुमको खतरनाक और भयानक मानता है तुम उनको भी नहीं मार सकती। नौ यार कैन नॉट डाउन किल मी, और जैसे तुम उनको नहीं मार सकती वैसे तुम मुझको भी नहीं मार सकती। अब दूसरे स्टेंजा में कोई बोलता है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, आराम और सोना, विच बट दे पिक्चर भी, पिक्चर यानी झलक, ये भी विच बट दे पिक्चर भी, ये भी इसकी झलक है, किसकी मृत्यु की ही झलक है, ये रेस्ट एंड स्लीप, आराम और सोना, ये भी किसकी झलक है भाई, जब आराम करते हैं और सो जाते हैं तो ये भी किसकी झलक है, पिक्चर है किसकी भी, डेथ की ही पिक्चर है। इससे भी ऐसा ही लगता है जैसे इंसान कुछ देर के लिए मर गया हो। तो कोई रेस्ट और स्लीप को भी क्या मानता है, इसकी ही एक झलक मानता है। मच प्लेजर, ज्यादा आनंद आएगा देन फ्रॉम बी, इनसे मच मोर मस्ट स्लो, मच मोर मस्ट स्लो, यदि ऐसा होगा। एंड सुमेश और सीख ही आवर बेस्ट मैन विद दी लू को, पॉइंट बोलता है आवर बेस्ट मैन से, पॉइंट का मतलब यहाँ पर अच्छे इंसानों को मृत्यु जल्दी उठा लेती है। तो अच्छे इंसानों से मतलब कोई सोल्जर जो कि हमारे जवान सैनिक होते हैं, जो आर्मी वगैरह में होते हैं, तो अच्छे इंसान कोई उनको लेता है और बोलता है आवर बेस्ट मैन, जो हमारे अच्छे आदमी हैं विद बी टू को, उनको तुम अपने साथ ले जाती हो। मतलब जो अच्छे इंसान हैं जवानी में, जो हमारे जाबाज रहते हैं, उनको तुम शीघ्र ही अपने साथ ले जाती हो। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, तो तुम कोई बड़ा काम नहीं करती हो। कोई बोलता है कि जब तुम जवानी में हमारे सैनिकों को अपने साथ ले जाती हो तो कोई बड़ा काम नहीं करती हो, बल्कि क्या करती हो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, उनकी अस्थियों को आराम देने का काम करती हो। एंड सोल डिलीवरी, और उनकी जो आत्मा है वो डिस्पैच हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है उसकी, मतलब एक से दूसरे में चले जाती है। कोई जो डेथ है उसको एक बहुत छोटी चीज मानकर इस पोयम में बता रहा है कि तुम अच्छे इंसानों को अपने साथ जल्दी ले जाती हो, लेकिन तुम इसमें कोई महान काम नहीं करती हो। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, बल्कि उनकी जो अस्थियां है उनको ही आराम देती हो। एंड उनकी जो आत्मा है वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उनकी सोल डिलीवरी हो जाती है। Thou art slave to fate, फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पॉइंट बोलता है यू आर स्लेव, मतलब thou यानी यू, आर्ट यानी आर, स्लेव यानी दास, तुम गुलाम हो टू फेट, भाग्य के, कौन गुलाम है भाग्य का, मौत। Thou art slave to fate, तुम गुलाम हो भाग्य की, चांस की, और किमती और डेस्पिलेट मैन, जो निराश व्यक्ति है उसकी। कैसे, अगर जब कोई इंसान मर जाता है तो हम बोलते हैं उसकी तकदीर में इतना ही जीना था, तो मृत्यु किसकी गुलाम हुई, फेट की। चांस कैसा, अगर किसी के चांस आ जाए मरने का, जैसे कोई जा रहा हो तो उसका एकदम से कोई सिस्टम अपसे हो जाए तो वो चांस, किंग चांस, दोनों को मिला के किंग चांस, किंग भी राजा महाराजा, या फिर गवर्नमेंट, प्रेजेंट में गवर्नमेंट बोल सकते हैं, पास्ट में किंग चांस बोल सकते हैं, किसी को मृत्यु दंड दे दे तो ये उसकी भी गुलाम है। और डेस्पराइट मैन यानी निराश व्यक्ति की भी मौत गुलाम है, क्योंकि वो सुसाइड पोइजन वगैरह कर लेता है, खा लेता है। एंड डज दिस पोइजन वार एंड सिकनेस ड्वेल, तुम किस किस में निवास करती हो, जहर में, युद्ध में और बीमारी में भी तुम ड्वेल यानी निवास करना
कोई बोलता है तुम तो दास हो, तकदीर की किनके चांस की और एक निराश व्यक्ति की, और तुम कोई जन युद्ध और बीमारी में निवास करती हो, तुम कोई बड़ी चीज नहीं हो। एंड कॉपी, कॉपी अपन बोल सकते अफीम, और चांद कैन मेक अस स्लीप एज वेल, जैसे तुम सुला देती हो मृत्यु, उसी प्रकार अफीम और उसकी खुशबू भी उसी प्रकार सुला सकती है। कोई बोलता है जैसे मृत्यु इंसान को सुलाती है, उसी प्रकार अफीम की गंध भी इंसान को उससे अच्छे सुला सकती है। एट बेटर देन द स्ट्रोक वाइल स्वेलेड नाउ देयर, और वो इससे भी अच्छा होगा वाइल स्वेलेड नाउ देयर, वाइल स्वेलेड नाउ देयर। इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो मृत्यु को बताता है कि जो मृत्यु है तुम अच्छे इंसानों को तुम्हारे साथ समय पहले ले जाती हो। ये पहले भी प्रचलित था जब पॉइंट ने पोयम पब्लिक की 1609 बट पब्लिक 1633, ये मैंने आपको लिखा दिया है। जब ये पोयम लिखी थी उस टाइम भी यही था, जो अच्छे इंसान थे अपन उनको सोल्जर बोल सकते हैं, उनको मृत्यु अपने साथ जल्दी ले जाती है। लेकिन कोई बोलता है कि तुम इसमें कोई भान काम नहीं करते हो, क्योंकि केवल जो बॉन्स है उनकी उनको ही आप आराम देती हो, एंड उनकी जो आत्मा है वो तुरंत डिस्पैच हो जाती है, डिलीवर कर दी जाती है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, और तुमको गुलाम हो भाग्य की राजा होती और निराश व्यक्ति की, क्योंकि ये तीनों ही तुम्हें जब चाहे तब बुला सकते हैं। एंड तुम निवास करती हो जहर में, युद्ध में और बीमारी में, ये भी तुम इन तीनों चीजों में भी तुम निवास करती हो। और कोई भी बोलता है तुमसे अच्छी तो अफीम की गंध है, जिससे भी मृत्यु से अच्छी नींद आती है और उसे भी अच्छा महसूस होता है। वन शॉट सहित पास बी एक इटर्नल, कोई मृत्यु को डेथमेज या फिर बोलता है अगर मृत्यु आ जाए तो क्या होगा, अगर मृत्यु तुम आ भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दोगी। ये क्या है, कपलेट है, दोहा है, दो लाइनों का। वैसे पूरी पोयम सोनेट है, दो लाइन, वन शॉट स्लीप पास। इन लाइनों में जो पोइम है वो मृत्यु से बोलता है, चलो मान लिया तुम आ भी गई, तुमने मुझे मार भी दिया, तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगी। वन शॉट स्लीप पास, एक नींद की छोटी सी रस्सी, वन शॉट स्लीप पास, एक छोटा सा सोना ही देगा इटरनली, उसके बाद स्थाई हो जाएंगे हम, स्थाई जग जाएंगे। इस लाइन का मतलब है, कोई बोलना चाहता है कि अगर तुम आ भी गई तो हमें एक छोटी सी झपकी लगेगी और फिर हमारी जो सोल है वो डिलीवर कर दी जाएगी, एक इंसान से दूसरे इंसान में हमारी आत्मा चली जाएगी और फिर हम स्थाई हो जाएंगे, तुम्हारा डर यहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, चलो मान भी लिया तुम आ भी गई तो एक नींद की छोटी सी झपकी, उसके बाद स्थाई रूप से जगना, मतलब तुम्हारा डर खत्म, और जो सोल है वो डिलीवर्ड कर दी जाएगी, दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाएगी और तुम्हारा डर फिर खत्म के लिए खत्म हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। एंड डेथ शैल बी नो मोर, इसका मतलब यही है कि मृत्यु फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। डेथ थाउ शैल डाई, मृत्यु तुम खुद मरती हो, तुमसे इंसान नहीं मर सकता। डेथ यू शैल डाई, थाउ यानी यू शैल यानी शैल डाई, इसमें कोई भी बोलना चाहता है कि मृत्यु तुम खुद मरती हो और
नहीं मरता है, वो तो दूसरे शरीर में रूप धारण कर लेता है, उसकी जो सोच है वो डिलीवर कर दी जाती है। डेथ इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, फिर उसको मृत्यु का कोई फियर नहीं रहता है। कोई बोलता है डेथ अरे मृत्यु यू शैल डाई, तुम मरती हो, मरने वाला कभी नहीं मरता है। इस पोयम में पोइट है जो लोग जो मृत्यु को बहुत फियरफुल और ड्रेडफुल मानते हैं, तो पोइट ने मृत्यु के ऊपर ये सटायर किया है और मृत्यु को पर्सोनिफाई किया है कि मृत्यु तुम ज्यादा घमंड मत करो, तुम एक नींद की छोटी सी झपकी हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। और लास्ट पंक्ति में पोइट बोलता है कि तुम एक छोटी सी नींद के अलावा कुछ नहीं हो, सोल डिलीवर्ड कर दी जाती है और मरने वाला नहीं मरता है, तुम खुद मरती हो। तो पोयम आज हमारी ये कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने आपको इसकी पोयम की समरी और पोइट का इंट्रोडक्शन करा दिया है। ओके, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोयम शुरू।